यशोमती मैया के नंदलाला। भेड़िया, वो भी गोकुल में कैसे? कहीं भेड़िए की आवाज सुनकर वो बाहर तो ना चला गया? जी आप क्या कह रहे हो? कान्हा, 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 पूनम मौसी, कान्हा को देखो क्या? द्वार खुलो है। कछु न होगा हमारे कान्हा को। कान्हा, 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 ठीक है ना? हाँ, क्या कर रहे हो तू यहाँ? ये स्वर कैसा है मैया? जे कोई साधारण स्वर ना है, जे तो भेड़िए की गुर्राहट है। भेड़िया ना, भेड़ियों की लगता है पूरों को पूरो झुंड गांव में घुसा है। शीघ्र घर चलो जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। और भोला बंसी को कहो द्वार के आगे पहरे के लिए आ जाए। अब चलो भी, आप क्या देख रहे हो? हमारी तो रक्षा हो जाएगी यशोदा, पर इन गांव वालों का क्या? उनकी रक्षा कौन करेगा? पहले यहां से चलो। शीघ्रता से द्वार झरोखे बंद कर दीजिए। नंदराज, हमारे गांव में भेड़िए और जी अचानक यहां कैसे आ गए? अब तो जीवन पे भी संकट आ गो है नंदराज। आप सब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा, चिंता मत करो, लो जल लो। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला नहीं मुरली,
ये प्रयास है मेरा, ताकि मेरे माता पिता सभी गाँव वासी स्थिति की गंभीरता को समझ पाए। चिंता चिंतन करने का समय नहीं है, अब समय है कर्म करने का, सदैव सदैव के लिए गोकुल छोड़ के जाने का। उपनंद भैया, घर के द्वार बाहर से बंद थे नंदराज, वो जहां भी गए वहां से लौट के ना आए हो अभी तक। गोकुल में क्या हो रहा है नंदराज? पहले सूखा पड़ो और अब ये भेड़ियों का आतंक। उस धूर्त व्यापारी के साथ व्यापार ना करके कंस का षड्यंत्र असफल कर दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा होगा वो। अवश्य उसने ही भेड़िए छोड़ दिए होंगे गांव में। जे सही तो कह रही है नंदराज, नहीं तो रात तो रात भेड़ियों के झुंड कहां से आ जाएगो। महाराज कंस की क्रूरता के बारे में हम सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार इस संकट का कारण महाराज कंस ना है बल्कि सूखा है। आसपास के वन में जल की एक बूंद भी शेष ना है। पास के गांव के जलाशयों का जल कब का सूख चुका है। यदि जल शेष बचो है तो वो केवल हमारे गोकुल में, इसीलिए जल खोजते खोजते वो यहां तक आए होंगे। कहीं और ना जा सकते थे, हमारा गोकुल ही मिला था उन्हें। तब तो फिर गोकुल भी सुरक्षित ना है पर मौसी। हाँ, ये संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, आज तो आपने आश्रय दे दिया, पर प्रतिदिन यहाँ रात कैसे बिताएंगे? रात तो छोड़ो, अब तो दिन में भी घर से निकलते भय लगेगो। असली समस्या तो ये है कि इस भयंकर सूखा में शीघ्र ही गोकुल के जल तो सूखे जाएगो, और फिर कैसे रहेंगे हम यहाँ? ऐसे में तो शीघ्र ही गोकुल को सारो अनाज समाप्त हो जाएगो नंदराज। गैयाओं का चारा तो पहले ही हाथ रोक रोक कर देना पड़ता है, पर अब हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं हम अपने प्राण? क्या ऐसे ही मृत्यु आनी है भूख से तड़प तड़प के? हाँ हाँ, कहाँ जाए हम बताइए ना। शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। मैया भी ना कितनी जूझ जाती है गुस्सों से भी, ये सब मुझे जब छोड़ना हो तो कैसे संभाली तू स्वयं को? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगो, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। ये भेड़ियों की घुर्राहट सुन रहे हो आप लोग? ये संकेत है इस बात का कि यदि अब भी हमने अपनी रक्षा का कोई उपाय ना कियो तो हमें इस सूखे के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। श्री नारायण का धन्यवाद जो भेड़ियों के माध्यम से हमें सावधान कर दियो, पर अब और कोई चारा ना है, हमें अपना घर, अपना सब कुछ, अपनों गोकुल छोड़कर जानो पड़े, अपनों गोकुल छोड़कर जानो पड़े।
पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हाँ नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहां भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगा ना हमें, पर हम जाएंगे कहां? हाँ नंद भैया, हम कहां जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे, जो असंभव है, ऐसे कैसे चले जाएं अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहां हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए? हाँ नंदराज, बताओ हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहां? वृंदावन, वृंदावन। अपनंद भैया, कहाँ चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था। यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ सवा प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषि मुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित हो गया। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं, भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुंओर पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए। जल की भी कोई समस्या नहीं है नंद? जितने भी कुंड मैंने देखे सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे। जिधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जानो ही है तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं ना जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है, क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे, यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज, हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा, यदि तुम भी। आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज, ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े।
स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा। हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशु। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने और आगे भी दूंगी, पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बस आए घर को छोड़ के चली जाओ, इतना कठोर ना है मेरा हृदय ना। यशोदा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझेगो? इस घर में कितनी स्मृतियां हैं मेरी। विवाह के बाद अपने मैया बाबा को छोड़कर जिस अपरिचित स्थान पर पहली बार आई थी, जो वही घर, इसी घर में आपको जाना समझा, आपका प्यार मिलो और पूरे गोकुलवासियों का स्नेह मिलो, अपने निसंतान होने की पीड़ा इन्हीं दीवारों से बांटी है मैंने। और पीड़ा ही क्यों, अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता यहीं तो मिली है मुझे, इसी कक्ष में जहां कान्हा का जन्म हुआ। पता है आपको विदाई के समय मैया ने मुझे क्या सीख दी थी? बिना यमराज के बुलाए ना तेरा इस घर से साथ छूटनो चाहिए ना नाता टूटनो चाहिए। डोली में बैठकर जा रही है, अर्थी में ही बाहर आना ना। पहली बार अपने पति देव की आज्ञा ना मान रही मैं, क्षमा कर देना, पर मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। यशोदा, उना मासी, अब आप ही समझाइए यशोदा को। ये मैं तो स्वयं को ना समझा पा रही, इसे का समझाऊंगी? सारा जीवन यही बीता है, मैं भी न छोड़ पाऊंगी जे गोकुल को। कह देती हूं नंदराज, गोकुल छोड़ने का संकेत तुमने ही दिया था खाना, अब इस कार्य को पूरा करने का दायित्व भी तुम्हें ही संभालना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।